यहाँ एक ज्योतिषी है जिसे विश्व के सारे महान नेता मिलना चाहते हैं। फिर से पढ़ो मेरा हाथ। दूसरी बार पढ़ने की आदत नहीं है मुझे। तो फाइनली दोस्तों, पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की मच अवेटेड और बिग बजट फिल्म राधेश्याम को रिलीज हुए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं। और इन 3 दिनों में दोस्तों राधेश्याम ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की धमाकेदार कमाई की है, उसके बाद दोस्तों सभी हैटर्स की बोलती बंद हो चुकी है, जो कि सुपरस्टार प्रभास को एक लॉटरी सुपरस्टार बोल रहे थे और दोस्तों उनकी फिल्मों को ट्रोल कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधेश्याम के शुरुआती 3 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई अभी तक कर ली है, इस फिल्म को हिट होने के लिए कितने करोड़ की कमाई करनी होगी और क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी सुपरस्टार प्रभास के डाहट फैन से उनकी फिल्म राधेश्याम को देख चुके हैं और आदि पुरुष और सालार का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 350 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट साथ बनाई गई है राधेश्याम, जिसके लीड में आपको रिबेल स्टार प्रभास और ब्यूटीफुल पूजा हेगड़े नजर आई है। दोस्तों इन दोनों की ही केमिस्ट्री इस फिल्म में तो काफी लाजवाब है, वहीं दोस्तों इस फिल्म के अदर एक्टर्स भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के विजुअल्स, इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की जो लोकेशंस और सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है वो इंडियन सिनेमा में अब तक किसी भी बड़ी फिल्म में नहीं दिखाई गई। हालांकि दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी को ऑडियंस की तरफ से कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि सुपरस्टार प्रभास का स्टारडम ही इतना है कि उनकी फिल्म राधेश्याम ने मिक्स रिव्यूज होने के बावजूद भी अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात है। इसी के साथ दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राधेश्याम यानी कि प्रभास का जो स्टारडम है वो सिर्फ ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड में है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का अपने पहले दिन का कलेक्शन 80 करोड़ रुपए का दुनिया भर में रहा, जहां से दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी से 6 करोड़ रुपए की कमाई की। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के सेकंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिल रहे मिक्स रिव्यूज की वजह से इस फिल्म के जो सेकंड डे के कलेक्शंस थे उसमें थोड़ी कमी देखी गई है। लेकिन दोस्तों हिंदी में इस फिल्म के कलेक्शंस बिल्कुल फ्लैट रहे और अपने दूसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी में 6 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर ली है, जो कि एक तरह से काफी अच्छी होल्ड है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे दिन का कलेक्शन 42 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका है, जो कि दोस्तों एक तरह से काफी अच्छा कलेक्शन है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 2 दिनों में इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 121 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर हेटर्स की बोलती बंद करते हुए सुपरहिट ट्रेंड कर रही है। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों बता दे चले आपको कि इस फिल्म को हिंदी में तो द कश्मीर फाइल्स काफी कड़ी टक्कर दे रही है और इससे कहीं अच्छा कलेक्शन हिंदी में वो कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम भाषा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इन सभी जगह पर राधेश्याम काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है। आज की दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो लगभग 12 करोड़ रुपए की ऑल ओवर इंडिया से है, वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की जो एडवांस है वो लगभग 16 करोड़ रुपए की है। सुपरस्टार प्रभास की यह फिल्म आज मॉर्निंग से ही 25% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। आफ्टरनून में दोस्तों इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 40-45% की है, वहीं दोस्तों इवनिंग में आज भी इस फिल्म के जो शो है वो हिंदी को छोड़कर बाकी सभी जगह पर हाउसफुल चलने वाले हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की कमाई आसानी से कर लेगी। वहीं दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का भी जो कलेक्शन है वो लगभग 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। और दोस्तों इन 50 करोड़ में इस फिल्म का हिंदी से आज का जो कलेक्शन है वो 8 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 3 दिनों में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। और अगर बात की जाए इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो अपने शुरुआती 3 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 171 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर में कर चुकी होगी। और सुपरस्टार प्रभास की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट ट्रेंड कर चुकी होगी। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 400 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी और शुरुआती 3 दिनों में दोस्तों जिस तरह से इस फिल्म ने 170 करोड़ रुपए के आंकड़े
आंकड़े को टच कर लिया है। उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये फिल्म अपने पहले हफ्ते में 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर ले। अगर दोस्तों इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए की कमाई अपने पहले हफ्ते में कर ली तो इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन है वो 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधेश्याम इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर पाएगी या नहीं, और क्या ये फिल्म हिंदी में 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।